क्या जो भगदड़ मची हुई है या लोग पार्टियां छोड़े क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं, पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हैं। 17 में पार्टी ने गठबंधन के बावजूद भी मुझे टिकट दिया, बहुत कोशिश किया। ये श्रीमती प्रियंका गांधी जी मुझे बहुत चाहती थी कि ये लड़े यहाँ से, गठबंधन में मामला नहीं तय हुआ, हमें वापस लेना पड़ा। फिर मैं काम लगा रहा, पार्टी हमारे निष्ठा को देखते हुए 19 में लोकसभा लड़ाया, तो हम तो पार्टी के प्रति एहसानमंद है। नहीं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ दी है, इस पर मतलब प्रदेश देखिए, ये लोग नारा तो देते हैं सामाजिक न्याय का, लेकिन ये लोग मुनहसर करते हैं पारिवारिक न्याय पर, पारिवारिक आय पर। व्यक्तिगत रूप से अपना लाभ के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। जो व्यक्ति बसपा में रहा हो और उस समय भाजपा से 36 का रिश्ता रहा हो, जब नाव डूबती हुई देखा तो भाजपा में चले गए, और आज भाजपा में जब देखा तो अब दूसरे जगह चले गए। तो इनका सिद्धांतों से कोई मतलब, सैद्धांतिक रूप से ये विकलांग है। देखिए, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, और जनता को ये संविधान ने अधिकार दिया है कि रोटी को जैसे उलट पलट के सेकते हैं, तो एक तरफ जब देख लेते हैं तो दूसरी तरफ करते हैं। और वहाँ की जनता ने सपा को भी देख लिया है, भाजपा को भी देख लिया, बसपा को भी देख लिया, कांग्रेस को देखे 32 साल हो गया। अब लोगों को ये विश्वास हो गया कि कांग्रेस के अलावा क्षेत्र का, प्रदेश का और देश के आवाम का विकास केवल कांग्रेस एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है। वो ठीक है कि क्षेत्रीय दलों से भी मुकाबला कहीं कहीं होता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जैसी पार्टी कोई नहीं है। बताया जाता है जनाधार कांग्रेस कुछ नहीं है, कैसे आप वहाँ बनाएंगे? देखिए, हम तो अतीत से प्रेरणा लेते हैं। 1974 में हमारे पिताजी को जब ये सीट पहली बार रिजर्व हुआ तो उनको टिकट मिला। अब बिरादरी का मात्र 14 से 15 वोट उस समय पूरे विधानसभा में था, आज तो 10,000 के करीब हो गया, 12,000 हो सकता है। 74 में पिताजी जीते, 77 में जब बड़े बड़े नेता हार गए तो वही जनता, वही क्षेत्र, वही भौगोलिक स्थिति, और फिर वो जीते और इंदिरा गांधी हमारे घर पे आके हमारे पिताजी को बधाई दिया, आशीर्वाद दिया। उनको खुशी हुई कि ये कैसे एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति बिना जाति आधार का जीत गए। फिर 80 में भी जीते, वो 85 में मैं जीता, वहीं से जिला पंचायत सदस्य हुआ, 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ, बेटा भी अभी उसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हुआ विपरीत परिस्थितियों में। तो हम तो ये मान के चलते, मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमारे फॉलोअर हैं, हमको चाहने वाले हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि और लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्र है, लेकिन हमारे लिए ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा है, हमारी आस्था है, विश्वास है उस क्षेत्र पर, और उस क्षेत्र का हमारे परिवार पर एहसान है, और हम उस एहसान से दबे हुए हैं। जब तक बस चलेगा उनकी सेवा में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। सर, सबसे पहले आपको बधाई, आपको कांग्रेस ने फिर एक बार मौका दिया है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे परम पिता परमात्मा की कृपा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं व्यक्तिगत रूप से तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे कामों को देखते हुए, हमारी पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए, पार्टी ने हमेशा हमें मान दिया, सम्मान दिया, 2 बार लोकसभा लड़ाया और विधानसभा में भी दिया है, और इस बार भी मौका दिया है। और जब से मैं 1 साल से लगातार कंटिन्यूस क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो हमने मेहनत की है उसे हमें सफलता मिले, ताकि मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूं। क्या मुद्दा रहेगा आपके विधानसभा में? देखिए, हमारा पार्टी, हमारी पार्टी का तो केवल चुनाव में मुद्दा नहीं रहता है, ये पार्टी देश के लिए, प्रदेश के लिए, आवाम के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब कांग्रेस ने उसमें महत्वपूर्ण हिस्सा लिया और देश को आज़ाद कराया। पंडित नेहरू का आगमन होता है, प्रधानमंत्री के हिस्से से उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाया।